नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस आई जिनके जाने के बाद भी दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई हसीना ऐसी आई जिनकी खूबसूरती और अदाओं का दीवाना लाखों लोग हुए, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता उन अभिनेत्रियों को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन अभिनेत्रियों को हासिल नहीं कर पाए। उन अभिनेत्रियों ने खुद का दिन सिर्फ किसी एक को दिया, जी हाँ, आपको बता दें, जिस पर उनको भरोसा हुआ, और इसी भरोसा के कारण उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया अपनी मोहब्बत पे, अपने आप को समर्पित कर दिया उन अभिनेत्रियों ने अपनी मोहब्बत पर। आज हम आपको बता दें बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी हसीना के बारे में जो 11 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री कर गई और अपनी बला की खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया। दिन प्रतिदिन ये अभिनेत्री उपलब्धियों को हासिल करती गई और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इतना ही नहीं, उन उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी किसको पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस हसीना की जिंदगी एकदम से उजड़ जाएगी। किसी को भी नहीं पता था कि इस हसीना की मौत उतनी ही दर्दनाक होगी जितनी इसकी खूबसूरती है। किसको पता था कि इस खूबसूरत हीरोइन का अंत इतना दर्दनाक होगा कि सुनने वालों की रूह कांप उठेगी। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री सईदा खान की कहानी है। आज भी अगर कोई सईदा की ट्रेजेडी भरी दास्तां सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों की आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपको बता दें, सईदा खान ने मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ब्रज सदाना से लव मैरिज की थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थी। वो कहती थी कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ कि सईदा को खुद उनके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। 24 अक्टूबर साल 1949 को सईदा का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ी हीरोइन बनने का सपना देख लिया था। फिल्म निर्माता H.H. रावल फिल्मी दुनिया में एक उनके आने के लिए पहली सीढ़ी बने। किशोर कुमार के साथ अपना हाथ जगन्नाथ और मनोज कुमार के साथ कांच की गुड़िया जैसी सफल फिल्में करके सईदा हिट एक्ट्रेस कहलाने लगी। एक के बाद एक फेमस अभिनेता के साथ उन्हें काम मिलने लगा और उनका करियर पटरी पर आ गया और वो अपनी जिंदगी में काफ़ी खुश रहती थी। वहीं एक पल ऐसा भी सईदा की जिंदगी में आया, जैसे जैसे समय बीतता गया सईदा की प्रसिद्धि कम होने लगी। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद उन्हें जीवन चलाने के लिए बी ग्रेड की फिल्मों का सहारा लेना पड़ा जिससे वो अपनी जिंदगी को चला सके। एक ओर करियर की दिशा बिगड़ी तो दूसरी ओर एक्ट्रेस को निर्देशक निर्माता ब्रज सदाना से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए। एक बेटी हुई जिसका नाम नम्रता था और एक बेटा हुआ जिसका नाम कमल सदाना। कमल सदाना की बात कही जाए तो कमल कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। 21 अक्टूबर साल 1990 को सईदा अपने बेटे कमल के 20वें जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। तभी नशे में धुत कमल के पिता यानी सईदा के पति अंदर आए और उन्होंने सईदा और उनकी बेटी नम्रता की गोली मारकर हत्या कर दी और कमल को भी गोली मार दी। वहीं ये दिन सईदा की जिंदगी का काला दिन बन गया और सईदा की जिंदगी उजड़ गई। वहीं कमल यानी सईदा के बेटे बताते हैं कि मेरी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी मेरे पापा ने उन्हें शूट कर दिया। हम लोग गोली की आवाज़ सुनकर आए तो मैंने देखा मेरी माँ खून से लथपथ थी। मेरी बहन उन्हें बचाने के लिए आई तो मेरे पापा ने उसे भी गोली मार दी और मुझ पर भी गोली चला दी। गोली मुझे छूकर निकल गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो पता चला मेरी दुनिया उजड़ गई है। वहीं पापा ने खुद को भी गोली मारकर और खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं कमल बताते हैं, उस भयानक रात के बाद से आज तक मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, अपना जन्मदिन मनाना ही मैंने छोड़ दिया। आपको बता दें, इस पूरी घटना में सिर्फ कमल ही बचे। एक इंटरव्यू में कमल ने बताया कि इस घटना के बाद जब अपनी माँ और बहन को हॉस्पिटल ले गए तो उस दौरान उन्हें भी गोली लगी थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि उन्हें भी गोली लगी है। डॉक्टरों ने उनकी शर्ट पर लगे खून के बारे में सवाल किया तो उन्हें लगा कि ये उनकी माँ और बहन का है। माँ और बहन को बचाने की कोशिश में एक्टर को ये सुध नहीं रही कि वो भी घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद उनकी सर्जरी हुई और जब वो घर लौटे तो पता चला कि उनका पूरा परिवार बिखर गया है। उन्होंने अपने चहेतों को खो दिया था।
कमल सदाना ने कहा कि मुझे भी गोली लगी थी, मेरी गर्दन के एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से निकल गई गोली, पर मैं बच गया। मेरे बचने का कोई तार्किक कारण नहीं है, ऐसा लगता है कि गोली हर नस को चकमा देकर दूसरी तरफ से निकल गई। वहीं उस समय अस्पताल में पर्याप्त बेड भी नहीं थे जब मैं अपनी माँ और बहन को हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए मेरा दोस्त मुझे दूसरे अस्पताल ले गया। मैंने डॉक्टर से बस इतना कहा था कि आप मेरी माँ और मेरी बहन को हर हाल में बचा लीजिएगा, उन्हें जीवित करिएगा। मैं अपने पिता की भी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब मैं सर्जरी के बाद उठा तो मैं अपने घर गया और मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने मृत पड़ा था। तो इस तरह से अभिनेत्री सईदा की जिंदगी उजड़ गई और आज उनका बेटा, जिसके जन्मदिन के दिन ये सारी घटनाएं हुई, यानी कि कमल, आज वो इस बीते हुए काली रात के बारे में बताकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कभी अपना जन्मदिन आज तक उस दिन के बाद से नहीं मनाए। अब इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि अभिनेत्री सईदा खान के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनकी ही मोहब्बत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी, इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। और तो और आपको हम ये भी बता दें कि सईदा के पति ने खुद को भी गोली मारकर अपनी हत्या कर दी। इस घटना के बारे में सुनकर सभी शॉक्ड रह गए कि किस तरीके से सईदा के पति ने ही सईदा की बेटी और सईदा के बेटे और सईदा को खुद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। किसी को यकीन नहीं था। इसके पीछे की वजह यह है कि सईदा खुद अपने पति की तारीफ सबसे किया करती थी और बोला करती थी कि मेरा पति मुझे जितनी मोहब्बत करता है उतना शायद ही किसी का पति करता होगा। वो अपनी मोहब्बत की लंबी लंबी बातें लोगों से कहा करती थी कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। इसलिए जब यह घटना घटित हुआ उस टाइम तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आज कमल की बात कही जाए, यानी कि सईदा के बेटे के बारे में, तो वो जब भी किसी से उस दौरान की बात और उस दौरान घटित घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो व्यक्ति मौजूद होता है उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी और सबको झकझोर देने वाली ये घटना थी। बहरहाल आपको ये कहानी कैसी लगी सईदा की, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4PM बॉलीवुड। धन्यवाद।